हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं गाज़ियाबाद मार्केट शॉपिंग के लिए, मैं और मम्मी। अरे यार, पता नहीं क्या ब्राइटनेस इतनी गंदी आ रही है। मैं और मम्मी जा रहे हैं प्रिंस के साथ। तो चलो फटाफट निकल पहुँचते हैं। निकल तो बहुत पहले गए थे, ब्लॉग स्टार्ट यहीं पर कर रही हूँ मैं। तो चलो पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस, कल हम लोग गाज़ियाबाद गए थे मार्केट सामान वामान लेने, बट मैंने कोई व्लॉग ही नहीं लिया कल। मतलब मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे हम लोग, टाइम इतना लग गया, अंधेरा हो चुका था, तो मैं वहाँ पे कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई, कुछ भी क्लिप नहीं बना पाई। तो ना मैंने घर आने के बाद बनाया, तो मैंने सोचा कोई नहीं, आज कंटिन्यू करते हैं। और कल वहीं से हम लोग, मैं मायरा के लिए लेके आई थी झूला और आउटडोर वॉकर भी लेके आई थी। तो और अभी हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सामान लेने। क्या है यार, मैं वो लेने आई थी। रुको, अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट थोड़ा सामान लेने, क्योंकि शायद कल मम्मी दिखाया वगैरह कर रही हैं। होता है ना घर में, थोड़ा सबको दिखाया विखाया करना होता है, दिखाना होता है क्या जा रहा है क्या नहीं, छोचक का यही सब। तो सामान आज सारा करना है, सारे कपड़े वपड़े भी लगाने हैं। तो चलो फटाफट जाते हैं मार्केट, उसके बाद सामान वामान लेके दिखाती हूँ आप लोगों को भी क्या है क्या नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं V3S से। हमें थोड़े से मायरा के कपड़े और लेने थे और जीजू के कपड़े लेने थे US पोलो से। तो हमने सोचा दोनों का काम V3S से कर लेते हैं, उसके बाद लक्ष्मी नगर भी जाना है, फिर टेलर से कपड़े उठाने भी जाना है। आज पसंद आएंगे, मतलब पसंद आएंगे तो लेने हैं। US पोलो से हम लोग आ गए हैं, बस फटाफट लेते हैं, उसके बाद लक्ष्मी नगर जाना है, टेलर पे जाना है कपड़े लेना। आज बहुत सारे काम है। टेलर फिट, टेलर फिट। चलो फटाफट पसंद करते हैं, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस, US पोलो से अभी हमें जीजू के लिए कुछ नहीं पसंद आया। अभी हम लोग आए हैं स्टैन मैक्स में मायरू के लिए कपड़े लेने। ऑप्शन देख लिया हम यहाँ पे, देख रहे हैं और भी, बाकी पसंद करते हैं फटाफट, उसके बाद चलते हैं देखते हैं ये ब्लू वाला। सो गाइस, हम लोग लक्ष्मी नगर आ चुके हैं और यहाँ पे हम मायरू के लिए कपड़े देख रहे हैं। अभी भैया लेने गए हैं, हमने पैटर्न बताया, उन्होंने हमें पोस्टर दिखाया था उससे पसंद करके, तो वही कपड़े लेने गए हैं वो अभी अंदर, बाकी देखते हैं। भैया ला रहे हैं बस, चलो इसके बाद फटाफट घर पर चलना लगे। सो गाइस, मायरा के कपड़े हम लोग ले चुके हैं, अब बाकी सामान ले रहे हैं। एक सेकेंड यार, एक तो स्कूटी ने दुखी कर दिया आज। सो गाइस, अब हम लोग लगा रहे हैं, सबके लगाए हैं कपड़े छोचक के, बढ़िया हो रही है, सिकल में कोई कमी नहीं है। ये ना सारा फैला हुआ है, देखो देखो, ये सबके कपड़े लगाए हैं हमने, बैग लगा लगा के रख रहे हैं, अभी लगा ही रहे हैं ये रे। चलो लगाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। मैं यहाँ मार कर लेके बैठी हूँ, सबके नाम लिख रही हूँ। सो गाइस, हम लोग कपड़े लगा रहे थे, उसके बाद देखा कि पूजा दी के जो सूट सिले थे वो हम लेके ही नहीं आए थे, तो अभी मैं जा रही हूँ टेलर पे उसके बाकी के सूट लेने, जो सिल गए हैं वो भी लगाने हैं, कल दिखाया करना है, तो सारे ही सूट रखे जाएंगे। तो बस वही कपड़े लेने जा रही हूँ, फटाफट लेके आती हूँ, संदीप भैया के साथ जा रही हूँ स्कूटी से, फटाफट लेके फटाफट आते हैं, फिर वो कपड़े भी लगाने हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस, कल मैं सूट लेने गई थी अपने टेलर पे, उसके आने के बाद आप लोगों ने कोई क्लिप भी देखी होगी। कल एक तो ऐसे ऐसे काम हुआ, बस पूछो ही मत, स्कूटी ने इतना दिमाग खराब कर दिया था कल। और उसके बाद घर आने के बाद हम लोग बिजी हो चुके गए थे, खाना वाना खाया, उसके बाद थोड़े कपड़े वगैरह लगाए। गाइस, एक तो ना मैं अपने फ़ोन की स्पेस से दुखी हो चुकी हूँ, 128 GB भी मेरे को कम पड़ रहा है। पता नहीं यार फ़ोन में क्या हो रहा है, स्पेस ही नहीं बच पा रही हूँ। एक तो मेरे फ़ोन में इतनी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस हैं, समझ ही नहीं आता, और इतने ऐप वगैरह मैं डिलीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तब भी स्पेस नहीं बचती, मतलब क्लिप बनती बनती अपने आप बंद हो जाती है, ब्लॉक की भी कई बार। और रात को फिर हमने कुछ सामान सेट भी कर दिया था बाहर,
वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। आज दिखाया है मैंने, बताया था, गांव से भी आएंगी, दादी वगैरह आएंगी, चाची वगैरह जो भी हैं, जो भी आएंगे वो सब दिखाया देखने आएंगे। और थोड़ा सा सामान सेट कर दिया है, सारा नहीं किया है, बाकी अब करेंगे। और आज मुझे और पूजा दी को कहीं जाना भी है एक इवेंट में, वो सब आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। तो चलो अब भी नहाएंगे धोएंगे, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, कुछ लोग उठ चुके हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, तो जैसा भी जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा दी के कपड़ों पे प्रेस, ये रहे, क्योंकि हमारी जो टेलर दी हैं ना, जो कपड़े सिलती हैं वो घर में सिलती हैं, तो वो सिल सिल के दे देती हैं, वो प्रेस नहीं करती, तो खुद ही करनी पड़ती है, बाहर से करवानी पड़ती है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, रात को मैं थोड़ा लेट ही लेके आई थी कपड़े, टेल लेट हो गया था, फिर कपड़े मिल नहीं पाते इतनी जल्दी। और अभी सुबह सुबह उनकी दुकान भी लेट खुलती है आंटी की, प्रेस वाले की, तो मैंने कहा मैं ही कोई नहीं, मैं टाइम से वैसे भी उठ गई थी, आज जल्दी उठ गई थी, मैंने 7 बजे आप लोगों को क्लिप भी दिखाई थी, उससे भी काफ़ी, मतलब मैं उठ गई थी 6 बजे उठ गई थी मैं आज, उससे भी बहुत देर पहले। फिर मैंने कहा मैं ही प्रेस मार देती हूँ। अब तो मैंने बस इसके ऑलमोस्ट मार दिए हैं, लास्ट के 2 सूट बच रखे हैं, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो बस अब कपड़े वपड़े ही लगा रहे हैं, अब इसके कपड़े लगा दूँ मैं फटाफट से पैक वैक करके बाहर, फिर हम बाकी भी सब लगाएंगे, और फिर देखो कब कब आना स्टार्ट होंगे सब लोग, देखते हैं जैसा भी होगा। और अभी टाइम देख लो क्या हो रहा है, ये दिखा देती हूँ मैं, 8 बज गए हैं, 8:03, जब मैंने आपको 7 बजे दिखाया था ना, 7 बज रहे थे, तब से ही मैं प्रेस कर रही थी, 1 घंटा लग गया इसके इतने सारे कपड़े हैं। चलो करने के बाद मिलते हैं, देखो कितने अच्छे बहन हो गए इसमें। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े लगा दिए हैं, ये देखो कितने तरीके से, पापा देखो मैंने लगाए हैं सारे कपड़े कितने तरीके से, अच्छे लगाया ना, बहुत अच्छे लगाए गाइस, बैठने को जगह नहीं छोड़ी गाइस, हम कह रहे हैं गाइस साइड कर लो, गाइस फैला दिए गाइस, गाइस अब तो फैलेंगे ही, सब आएंगे जब, ठीक है गाइस। चलो तो हमें आमिया बुलाते ही ना, निकल जाना, तो गाइस गांव से कसक बीबी दीदी रेखा दीदी सब आ चुके हैं, और यहाँ पे ये बंदर खेल रहा है, अकेले अकेले खेलती रहा। और बाहर दिखाती हूँ, बाहर बैठे हैं सब, पूजा दी अभी नहा के आई है दीदी, क्या नाम है, हाय हाय, हां दीदी का है, आपकी दीदी का तो मिल गया, पूछ के आई। सभी लोग आ चुके हैं घर पे दिखाया देखने, और मैं और पूजा दी भी हो चुके हैं रेडी, हम लोगों को अभी निकलना है, हमें जाना है एक इवेंट के लिए, वो सब आप लोगों को दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग में। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो गाइस कल हम लोग दिखाया हुआ था घर पे, आप लोगों ने क्लिप्स में देखा, अरे आप लोगों ने क्लिप्स में देखा ही होगा। उसके बाद मैं और पूजा दी चले गए थे इवेंट में, तो मैं इस व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, और मैंने आज इस वाले व्लॉग से पहले, मतलब कल इवेंट वाला व्लॉग अपलोड कर दिया पहले, ये वाला व्लॉग मैं कल अपलोड करूँगी। अब आप लोग तो मतलब देखोगे ही कल ही 23 को, तो बेटा इधर हो जा, देख उधर तार है, इधर हो जाओ, मैं व्लॉग बना रही थी, फिर को ऐसे देख रहा है, यहाँ भैया है हमारे यहाँ पे रहते हैं, उनका भांजा है, हाँ। तो अभी मैं और पूजा दीदी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल है फंक्शन, 23 को रखा है मायरा का फंक्शन, और पूजा दी का बर्थडे भी है कल, तो अभी जा रहे हैं, अरे यार ये क्या हो जाता है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सामान लेने, जूते चप्पल कुछ नहीं पहना है इसने, अंकल नमस्ते आ जाओ राधे राधे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मार्केट, बाकी पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं, राकेश भैया के साथ जा रहे हैं, हेलो पूजा दीदी भी है। और यार आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, पर कल फंक्शन है तो थोड़ा बहुत काम बचा है, वो करना भी जरूरी है, तो मैं और पूजा दीदी जा रहे हैं मार्केट, मेरी तो चूड़ी भी नहीं, तो चलो चूड़ी वगैरह भी हम लोगों का तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस ड्रेसेस से डिसाइड हुई है अभी कि क्या पहनना है, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं हुआ, ना ज्वेलरी का, ना चूड़ियों का, ना कुछ कुछ भी नहीं, बाकी अभी देखते हैं सारा काम करना है जो भी है आज, देखता हूँ।
गाइस मेरा और पूजा दी का मन कर रहा था ये फतेह की कचौड़ी खाने का। ये यहाँ पे प्रीत विहार में मिलती है, तो हमने दो प्लेट कराई है अभी। और यहाँ पे रेड लाइट है, तो जान साहब ना खड़े हुए हैं, इसलिए भैया बना के लेके आ रहे हैं। कचौड़ी कितनी हमारी कचौड़ी आ गई है, लाइए भैया। कितने पैसे हो गए? भैया के पास काफी अच्छे कलेक्शन है। नहीं भैया ऐसे नहीं, तो चलो हम देख लेते हैं। हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है और दो दो बैग भर के सूट लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी नगर। काली पिन्नी में तो ये ऐसे डाल के देता है, ये काली पिन्नी में ही देता है क्योंकि, और ये डबल कर देता है मजबूत ताकि फटे ना। सिंगल सिंगल लेते हैं ना तो वो उठाए भी नहीं जाते। हाँ। उसने अलग से सारे तो सामान डाल जा रहे हैं लक्ष्मी नगर, चूड़ी वगैरह लेने, बाकी सारी चीजें वैसे लेने। चलो फटाफट मार्केट। अब यहाँ पे ना भीड़ होने लगी है, अभी तक भीड़ नहीं थी, खाली पड़ा था जब हम लोग आए थे, अब भीड़ होने लगी है। तो हम लोग सही टाइम पे निकल रहे हैं और फटाफट से लक्ष्मी नगर से भी शॉपिंग करते हैं। चौड़े वगैरह लेनी है इसने, मैं तो चौड़े नहीं, मैं तो ब्रेसलेट वगैरह ले लूँगी। तो चलो फटाफट पहुँचते हैं मार्केट। सो गाइस मैं आ गई हूँ चूड़ियाँ लेने शॉप पे लक्ष्मी नगर में। और मैं भैया चूड़ियाँ निकाल रहे हैं उधर शॉप से, शायद तो इसके मैच से चूड़ी ले रही हूँ मैं, इसके और भाभी की दोनों की। चलो फटाफट लेके फिर घर चलते हैं फटाफट, क्योंकि यहाँ पे भी ना गाड़ी अंदर लाने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। ये देखो गाड़ियाँ फंस रही है सारी, तो फटाफट पहुँचते हैं घर। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे। मैं मार्केट से आके नीचे से ही मैं सीधी पार्लर चली गई थी, मुझे वैक्स करानी थी, तो मैं वैक्स करा के अभी आई हूँ। और यहाँ पे सारा फैला रखा है, ये कपड़े वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि कल फंक्शन है 23 तारीख को, तो कल सारा सामान भी जाएगा, तो वही पैक वैक कर रही हैं मम्मी अभी, बैगों में लगा रही हैं सारा तरीके से, सुबह जाएगा सारा सामान। तो चलो मैं, मेरे को लग रही है भूख, अंकल ला रहे हैं मेरे लिए खाना लगा के। अब एक सेकेंड बंद हो गया है। हाँ अंकल ला रहे हैं खाना लगा के मेरे लिए, तो मैं अब खाना खाऊंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ 3:30 बज चुके हैं, चाय पी थी थोड़ी सी और रस खाए थे उसके साथ, बाकी कुछ नहीं खाया सुबह से। अब भूख लग रही है, अब खाऊंगी, अंकल लगा रहे हैं। चलो ये सूट वगैरह अभी शॉपिंग करके आए हैं हम सूटों की। यहाँ पे अंकल मेरा खाना लगा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। सो गाइज रात के 12 बजने वाले हैं, 2 मिनट हैं 12 बजने में, 11:58 हो चुके हैं। अरे ये ब्लर क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? ये देखो 12 बजने में 2 मिनट हैं और जीजू आए हैं केक लेकर, जीजू पाशु मिनट। तो अब हम करेंगे केक कटिंग, बाहर बैठे हैं सब लोग। चलो दिखाती हूँ। हैप्पी बर्थडे। तुमने कर दिया काम, सब चल रहे हैं। मुझे पता था 2-3 रुपए तो ढूंढ के लाए होंगे कहीं ना कहीं से। पैसे ले जाने के? अबे ले ले, इतने सारे गिर जाएंगे सारे इसके थोड़ी पुन्नु के भी तो हैं। भाई जाओ यहाँ से, है फिलहाल में ले, उसे मत खिला। सबकी तरफ से आपके लिए ये पता है क्या है? ये पैसे फूकने आपने तो देना नहीं था ना, इसके आईफोन है नहीं इसके पास नहीं है। अरे सो गाइज जीजू दीदी वगैरह सब लोग जा चुके हैं, केक कटिंग वगैरह सब हो चुकी है और पूजा दी का गिफ्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, 15 प्रो
रहा लड़की का 15 प्रो, वैसे भी लड़की को फोन चाहिए था भाई, जो चाहिए था वही मिल गया। एक दिन पहले कुछ मांगो और अगले इसने पता कल ब्लॉग बनाया था, उसी में मजाक कर रहे थे हम लोग, उसी में ये बोल रही थी। मजाक नहीं था, बट मेरे फोन का कैमरा गाइस सच में बहुत ब्लर हो रहा है, मुझे एक ब्लॉगिंग और अपने इंस्टा, इसके फोन का ना कैमरा बहुत ब्लर है, मतलब मेरा और इसका फोन सेम है, iPhone 13 है हमारे पास, लेकिन मेरा कैमरा जो है वो काफी क्लियर है, बहुत अच्छा कैमरा है, और इसका जो कैमरा है वो पता नहीं काफी ब्लर सा है जी, अच्छी फोटो वीडियो नहीं आती। तो और मेरे में जैसे है, मेरे में स्पेस की दिक्कत रहती है, मेरे फ़ोन में कभी स्पेस ही नहीं होता, डिलीट करो उसके बाद ही कुछ ना कुछ बन पाता है, और इसके में उसकी थी। तो जीजू ने भाई इसकी डिमांड्स को फुलफिल करते हुए इसके लिए iPhone ले आए हैं। मैडम की खुशी देख लो, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। तो केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है और सब लोग जा चुके हैं, तो और कल है पार्टी, और एक बज चुका है अभी, अब पता नहीं हम लोग कितने बजे सोएंगे, कितने बजे नहीं, कुछ नहीं पता अभी हम लोगों का। और सुबह फिर उठना है, पार्टी है कल की, फंक्शन है, तो आप लोग वो सब भी देखोगे नेक्स्ट व्लॉग में जैसा भी रहेगा। तो चलो गाइस इसी के ये व्लॉग का एंड कर दें। हाँ ये वाले का कर दें क्योंकि तू दो दिन से तेरे चल रहे हैं ना। तो चलो फिर गाइज इसी के साथ करते हैं इस वाले व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बहुत सारा प्यार बना के रखना, और इसे बहुत सारे विशेस देना जिसका बर्थडे है। पहले थैंक यू बोल दिया मैंने, मुझे पता है ना आप लोग विशेस दो, भरपूर करके विशेस देना, कमी नहीं आनी चाहिए। मेरी एनिवर्सरी भी है गाइस अगले दिन। मारा भी उठ चुकी है, इतनी देर से सो रही थी केक कटिंग वटिंग पे, अब उठ गई है मायरा गाय। अरे डिमांड को उठा के लाया मैं तेरे से, अब उठ के आई है, इतनी देर से सो रखी थी, उठ ही नहीं रही थी। दिखाना मायरा को, ओए हो अभी तो मायरा मम्मा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे मम्मा को, हैप्पी बर्थडे बोल दो बेटा। मेरे गुद्दा कह रही हो, मेरे गुद्दा ने मुझे विश कर दिया, ओए मम्मा हैप्पी बर्थडे, मम्मा हैप्पी बर्थडे। चलो गाइस बाय बाय, टाटा। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ, 23 को इसका बर्थडे होता है और 24 फैब को इसकी एनिवर्सरी। तो वो देना तो मेरा बेटा, तो दो दिन लगातार पार्टी रहने वाली है।